हाय गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन क्विज कैसे बना सकते हैं बहुत ही इजीली। जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। सिंपली अपने मोबाइल के थ्रू एक ऐप आपको इंस्टॉल करनी होगी, उससे आप अपना खुद का ऑनलाइन क्विज बनाकर किसी को भी भेज सकते हैं और उनका रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। तो करते हैं शुरू। तो गाइस, इस ऐप का नाम है सर्वेअल्ट। जैसे हम लोग इसको ओपन करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपनी जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है, मैंने किया हुआ है। यहाँ पे आपको प्लस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फॉर्म बनाए तो फॉर्म पर क्लिक करें। हम लोग यहाँ पे क्विज बनाने जा रहे हैं, क्विज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट हम लोगों को दी हुई हैं। हम यहाँ पे सिंपली क्रिएट ब्लैंक क्विज पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे ऊपर आप टाइटल डाल दीजिएगा, जो भी आपको डालना हो। जैसे हम यहाँ पे एक एस्पायर डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप ये बता सकते हैं कि आप किस पर क्विज बना रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्विज डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे आपको प्लस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे आप शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस और सेक्शन और ड्रॉप डाउन वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मल्टीपल चॉइस वाला चूज करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन डालना होगा। तो गाइस, जैसे यहाँ पे हमने एक बेसिक सा क्वेश्चन ऐड कर लिया है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर। यहाँ पे अब ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन डाल सकते हैं अपने क्वेश्चन का। जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ ऐड ऑप्शन। तो यहाँ पे हमने ऑप्शंस डाल दिए हैं। अब हम इसको कैसे बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे इसको बताने के लिए यहाँ पे ग्रे कलर का ऑप्शन होगा, टिक का, इसको हमें ग्रीन करना होता है। अभी आप देख सकते हैं ये जान चुका है कि 366 हमारा सही आंसर है। यहाँ पे मार्क्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन के जितने चाहे उतने मार्क्स रख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 1 कर देंगे। अब रिक्वायर्ड का मीनिंग है कि ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड है या नहीं, जिसको हम हटा देते हैं। कहीं पे भी क्लिक करके आप हटा सकते हैं। अब प्लस पर क्लिक करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन डाल दीजिए जो कि शॉर्ट आंसर का हो। जैसे कि मैं डाल देता हूँ, जैसे मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन डाल दिया है, हाउ मेनी डेज इन ए वीक। यहाँ पे आप जैसे मैं डाल देता हूँ 7 days। तो यहाँ पे सिर्फ 100 letters तक आप कर सकते हैं। तो कहीं पे भी क्लिक कर देंगे ये हट जाएगा। आपका देख सकते हैं आपका क्वेश्चन सेव हो चुका है। यहाँ पे प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन डाल दिया डिस्क्राइब सम। यहाँ पे आप टोटल 10,000 तक आंसर इसका लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सन इज स्टार। डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 14 ही हुए हैं, लिख आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम इसको डन कर देते हैं, करने के बाद यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं और इसका मार्क भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे 2 marks का ये हो गया लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं कि ड्रॉप डाउन क्या होता है। जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है और ऑप्शन थोड़े से चेंज कर दिए हैं। ये मैंने आंसर भी सिलेक्ट कर लिया है, इसका मार्क्स भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे रिक्वायर्ड पर टैप कर देंगे और यहाँ पे इसका मतलब अभी मैं बताऊँगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन का मतलब ऐसे ड्रॉप डाउन होकर आएंगे जैसे नीचे को जा रहे हैं, यानी सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ऐड सेक्शन में जाते हैं। ऐड सेक्शन का मतलब आप कोई भी सेक्शन अलग से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्पायर डाल दिया है और यहाँ पे सेक्शन डिस्क्रिप्शन भी आप डाल सकते हैं। जैसे डाल देते हैं सब्सक्राइब, इसको यहाँ पे कट कर देते हैं तो ये लास्ट में यहाँ पे लिख के आएगा, यहाँ पे सेक्शन बनकर आएंगे। तो यही था, अब हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे आप अपनी थीम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चेंज थीम पर क्लिक करने के बाद मैंने ये सिलेक्ट की हुई है। आप चाहें तो माई थीम पर जाकर अपनी खुद की थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम यही पड़ा रहने देंगे, इसको बैक करेंगे। अब यहाँ पे सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो अपना लोगो भी लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एल्बम पर जाकर जो भी आप चाहे लोगो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं लगा के इसको डन कर दूंगा। अब यहाँ पे यूज़र, यहाँ पे जो वेलकम पेज है इसको आप शो करवाना चाहते हैं या नहीं, इसको अगर बंद कर देंगे तो एक बटन नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे स्टार्ट बटन, यहाँ पे आप जो कुछ भी चाहें डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट ही डाल देंगे। अब जैसे यहाँ पे यूज़र इन्फो में जो सबसे पहले मतलब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम शो हो या ना हो, एक चीज़ इसमें शो ज़रूर होगी।
तो यहाँ पे ईमेल नंबर ये सब भी पूछे या ना पूछे, जब आप इसको स्टार्ट करें तो हमें केवल नेम ही पूछे, ये मैंने लगा दिया। ड्यूरेशन कितने मिनट आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हावर मिनट है तो इसको मैं कट कर कर सिर्फ एक मिनट कर देता हूँ। यहाँ करने के बाद डन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं टाइम एक मिनट हो गया है। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सो क्विज रिजल्ट, आप उनको अपना रिजल्ट दिखाना चाहते हैं या नहीं, इसको आप कर सकते हैं, मैं इनेबल कर दूँगा। अब यहाँ पे सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपडेटिंग क्विज पर आएगा और यहाँ पे हमारी क्विज बन चुकी है। ये जो लिंक आई है इसको आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कॉपी लिंक कर कर कहीं भी शेयर कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी लिंक बनी है। तो चलिए यहाँ से हम लोग व्यू क्विज पर क्लिक करके अपना इसी फ़ोन में क्विज एक बार चेक कर लेते हैं। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले नेम पूछेगा, यहाँ पे नेम डाल देना। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी डाल के स्टार्ट क्विज पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन आएंगे, इनका आपको सही वो ऑप्शन दे देता है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 7 days। यहाँ पे सब कुछ करने के बाद यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, अब जल्दी से सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ तो ये सबमिटिंग हो जाएगा। आप ऊपर देख सकते हैं 2 new answers आ गए हैं, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी इसको किया था। बैक आऊँगा ज़रा और यहाँ पे व्यू आंसर पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे ABCD का जो मैंने अभी किया है वो आ रहा है। यहाँ पे आपको सिर्फ करना होगा, यहाँ पे 4 4 marks है, मतलब ये पहले से ही चेक है। कि जो पेंडिंग वाला है इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे गलती है और इसको 0 सेव कर सकते हैं, जिससे ये पूरा स्कोर आ जाएगा। 8 में से 6 सही है मेरे। अब यहाँ पे अगर उनको देखना है तो यहाँ पे शेयर करके आप किसी को भी भेज सकते हैं उनका रिज़ल्ट। तो गाइस यही था आज के लिए। तो गाइस आशा है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।